وسيدنا خاطمان وسيدنا زيد وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وغاره وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज बात करेंगे हज़रत ज़ुबैर रजील्ल्लहु तू के बारे में हज़रत आली करमल् वजहु के अवाल और ये किताब है नहजुलबलाका ये अहले हजरात के यहाँ बहुत पढ़ी जाती है मानी जाती है इसमें अमीर उलमिन मौलाली करमल वजह के खुतबात भी मौजूद हैं ख़तूत भी मौजूद हैं अकवाल भी मौजूद हैं एक ज़ख़ीरा है उनके यहाँ इसका और ये जो मेरे यहाँ मौजूद है इसमें जिन हजरत ने इस किताब पर काम किया है सैयद रईस अहमद जाफरी अब्दुलरजाक मली हबादी मुर्तज़ी हुसैन फ़ाज़िल नायब हुसैन नकवी इसमें मैं चंद इबारतें इस किताब से आपके सामने पेश करना चाहता हूँ इसके सफ़ा नंबर 114 पहली बात यहाँ से हज़रत ज़ुबैर रजी अल्लाह तुं का इनताल जंग जमल में हुआ और जंग जमल में वह हज़रत आयशा सिद्दीक़ारतिल्ला अन्हा की तरफ से लड़ रहे थे यहाँ पर हज़रत अली कर रमल्हु वचू की फौज तो आपके हरीफ़ जंग जमल के सिप सालारों में से थे ये वाकया सुनाता हूँ फिर हज़रत अली की जो आपसे गुफ्त शनिद हुई जो इसी किताब में मौजूद है वो सुनाता हूँ तो जंग जमल के सिप सालारों में थे मगर जब इनको जिस शख़्स ने शहीद किया जिसका नाम था इबन जरमूज़, उसने हज़रत ज़ुबैर का सर और तलवार लेकर जब हज़रत अली अल्लाह वज़हू के पास आया तो आप आप दीदा हो गए आप रोए आपको पता है कि हज़रत ज़ुबैर का हज़रत अली से क्या ताल्लुक है हज़रत ज़ुबैर की वालदा हज़रत करम अल्लाह वजह की पुपी हैं हज़रत ज़ुबैर हज़रत आली के पुपीजा भाई हैं करीबी तल्लु फर्स्ट कज़न है अल्लाह अकबर अकबर और हज़रत ज़ुबैर के मामू के लड़के हैं हज़रत अली यानी अबू तालब हज़रत अबू तालब की बहन के लड़के हैं हज़रत ज़ुबैर मुख्तलिफ तरीके से रिश्ता समझा रहा हूँ तो हज़रत आली कर रहा आप दीदा हो गए और फरमाया फ़रजंदे सफ़िया के कतिल को जहन्म की बशारत दे दो ये इतनाजुलबलागा के अल्फाज बता रहा हूँ और अपनी पुपी का नाम लिया कि मेरे पुपी सफ़िया के बेटे के कतिल को जहन्म की बशारत दे दो फिर हज़रत ज़ुबैर रजी अल्लाह तु की तलवार हाथ में लेकर फरमाया कि ये वही तलवार है जिसने कई दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ह वसल्लम के चेहरे से मुश्किलात का बादल हटाया है तो शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जो हज़रत ज़ुबैर ताला अन्हु पर अपनी ज़बान दराज़ करते हैं और कहते हैं कि हम मौला के चाहने वाले हैं आइए आपको एक और इस ज़मिन में बात सुनाता हूँ ये इसी किताब के पेज नंबर हंड्रेड से इबारत आती है दौरान जंग में हज़रत आली रदी अल्लाह तहु का घोड़ा बढ़ा और बीच मैदान में हज़रत अली आए और हज़रत ज़ुबैर से बुलाकर कहा अबू अब्दुल्लाह यानी ए अब्दुल्लाह के बाप क्योंकि हज़रत ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ल इबने ज़ुबैर हैं तो कहा अबू अब अब्दु ए अब्दुल्लाह के बाप तुम्हें वो दिन याद है जब हजूर सल्ला वाल वसल्लम ने तुमसे पूछा था कि क्या तुम अली को दोस्त रखते हो तो तुमने अर्ज़ की थी कि हाँ या रसूल अल्लाह वही वसम याद करो उस वक्त तुमसे हज़ूर ने फरमाया था कि एक दिन तुम इससे ना हक लड़ोगे हज़रत अली ने वह बात याद दिलाई तो हज़ूर की पेशन गोई थी हज़रत ज़ुबैर रजी अल्लाह तु ने जवाब दिया हाँ अब मुझे याद आयानी आया। हज़रत ज़ुबैर इस बात को भूल गए थे हज़रत अली ने याद दहानी कराई तो हज़रत ज़ुबैर ने क्या कहा हाँ अब मुझे याद आया पेज 154, फिफ्टी अब पेज 155 पे जा रहा हूँ ये पेशन गोई याद करके हज़रत ज़ुबैर जंग से किनारा कश हो गए तो जब किनारा कश हो गए तो तब इस बदब्त ने जिसका ज़िक्र पेज नंबर 114 पर आता है इबन जरमूज़ उसने फिर आप पर हमला किया और आपको शहीद किया और आपका सर तन से जुदा किया हस्तखिरल आज़ीम और हज़रत तलह ने जब हज़रत ज़ुबैर को जाते हुए देखा पेज वन फिफ्टी फ़ाइव नजुलबलागा तो उनका भी इरादा मुतजल हो गया लेकिन मरवान बिन हकम इसको भाप गया तो उसने हज़रतल को एक ऐसा जहर में बुझाया हुआ तीर मारा कि हज़रतल का उसके जहर की वजह से फिर इंतकाल हो गया तो बहरहाल बलागा की इबारतें हैं तो वो लोग जो साहबा से किसी भी क़स्म का अपने दिल में मैल रखते हैं उन्हें मैल साफ़ करना चाहिए ये वो लोग हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी चाहे हज़रतलह हों या हज़रत ज़ुबैर होंशरा मुबरा में हैं हज़रत ज़ुबैर तो हज़ू सलील आसम के ननियाली रिश्तेदार हैं कि पुपी बल्कि हज़रत ज़ुबैर के ननियाल हुजूर है और हुजूर का ददियाल ज़ुबैर हैं कि हुजूर की पुपी के लड़के हैं और फिर वहाँ से हज़रत खतीजा रदी अल्लाह तह के हजरत ज़ुबैर भतीजे हैं भाई के लड़के हैं आवाम इबन खिलत के तो ख्याल करना चाहिए अपनी ज़बानों को इस मामले में दराज नहीं करना चाहिए कि सहाबा के आपस के मामल और फिर उसके बाद ये मैदान जंग छोड़ हट गए और उसके बाद उन्हें जालिमों ने शहीद किया असलाम्ला अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकाउन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सके वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें